आईसीएससी का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ आईसीएससी पूरे हिंदुस्तान की सेकंड नंबर की टॉपर सारिया खान हमारे साथ हैं। बात कर लेते हैं सारिया, आपको बहुत सारी मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है आपको इतने ज़्यादा मार्क्स हासिल करके और आज खुद को इस मुकाम पे देखकर? आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड वर्ड्स आरंट एनफ टू एक्सप्रेस इट एंड आई वांट टू थैंक ऑल माय लाइक टीचर्स एंड माय पेरेंट्स स्पेशली। एक बार मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बता दें आपने कितने मार्क्स हासिल किए और कौन सी पोजीशन ऑल ओवर इंडिया रही है? I've secured all India second rank and marks I've secured 100 in mathematics, computer science and history, civics, geography and 99 in science and English and 98 in Hindi. अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो बेहतर होगा क्योंकि हमारा हिंदी चैनल है। खैर आगे हम बात करेंगे, क्या रूटीन रहा आपके स्टडीज़ का, सेल्फ स्टडी आप कितने घंटे करती थी, कैसे करती थी? सेल्फ स्टडी में 7-8 घंटे पढ़ती थी। और हाँ, बाकी की पढ़ाई स्कूल की कैसी थी, उसका क्या एटमॉस्फेयर, उसका कितना फ़ायदा मिला? स्कूल का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत एक्सपर्ट, पढ़ाई बहुत अच्छी है और बहुत सपोर्ट मिला है स्कूल से एंड टीचर्स। आजकल देखा जाता है यूथ को वो डिजिटल पे, डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत वक्त ज़ाया करता है, उसका उसको कितना मानती हूँ कि कितना असर पड़ता है उसकी पढ़ाई लिखाई पे, और आप क्या सोशल मीडिया पे क्या एक्टिव रहना पसंद करती हो या नहीं? असर तो पड़ता है, 10th क्लास में तो मैंने बिल्कुल छोड़ ही दिया था ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत तो एंटरटेनमेंट के लिए आई यूज्ड इट, बाकी आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? सर दो मिनट, आगे फ्यूचर में जैसे क्या करना है? फ्यूचर में डॉक्टर बनना ही है मेरा एक एम। फादर तो एडवोकेट हैं। तो ये का प्रोफेशन पसंद नहीं आया? पसंद की बात नहीं है, मुझे हमेशा से वही डॉक्टर बनना था और कुछ सोचा ही नहीं। मैम भी एक मिनट बात कर लेते हैं। मैम बहुत सारी मुबारकबाद, आपकी बेटी ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपनी फीलिंग्स बता ही नहीं पा रही हूँ, मुझे कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अक्सर बच्चों को पढ़ाने में माँ बाप का बहुत स्ट्रगल होता है, आप लोगों का कैसे रहा, क्या? हमारे हस्बैंड का हमारा बहुत स्ट्रगल रहा है और हमारे और भी बेटे पढ़ते थे, हमारे हस्बैंड और हम लोगों का इतना पूरा नहीं हो पाता था, तो हम लोग अपनी ज्वेलरी और अपना सब कुछ बेच कर अपने बच्चों को पढ़ाए। आज लग रहा है कि जो आपने ज्वेलरी बेची है, जो कुछ किया उसका परिणाम अच्छा, आज मैं कामयाब हो गई, बहुत मेरा बेटी ने बहुत अच्छा रिजल्ट। सर एक सवाल आपसे भी ले लेते हैं, सर कैसा लग रहा है बेटी ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है? फुल फील कर रहा हूँ, जो मतलब दुनिया की सारी दौलत मिल गई मुझको, जो हम लोग को मेहनत थी वो सफल हो गई हमारी, बस। बहुत सारी मुबारकबाद एक बार फिर से। तो ये थी हमारे साथ बातचीत कर रही थी सारिया खान और उनके पेरेंट्स थे, साफ तौर पे माँ ने कहा है कि उन्होंने जेवर बेचकर बच्ची को पढ़ाया था, तो आज उसका एक परिणाम आ गया, उन्हें इस बात की खुशी है कि जो उन्होंने जेवर बेचे थे उसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, बच्ची इसी तरीके से कामयाबी हासिल करती रहे और आगे बढ़ती रहे। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।